अस्सलाम वालेकुम, ओपन सोर्स लिटरेट पाकिस्तान के आज हम पाँचवें सेशन में हैं और पिछले दो सेशंस में हमने कोडिंग प्लेग्राउंड्स, प्रोग्रामिंग प्लेग्राउंड्स या आप ये कह लें कि जो आईडीई है जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है वो ऑनलाइन या क्लाउड आईडीईज पे बात की है। इसको हम सोशल आईडीईज भी कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहते हैं। एक उसमें हमने डिस्कस किया था कोड पेन आईओ और एक हमने किया है सैंड बॉक्स, कोड सैंड बॉक्स डाटा आयो। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट के लिए वो दोनों थे। वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ और भी हैं लेकिन वो मेरी लिस्ट में नहीं थे, लेकिन साकिब खान ने कहा कि ये दो और भी हैं, इन्हें भी डिस्कस करना चाहिए और ये भी हो सकता है किसी के लिए बेनिफिशियल हो, तो इनको हम आज थोड़ा जस्ट ऑनरेबल मेंशन कर देते हैं कि ये भी आप कर सकते हैं। स्टैक ब्लिट्स है एक, ठीक है, ये भी वेब डेवलपमेंट का है और ये आप कर सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा। और एक साथ है इसके जे एस फिडल, ठीक है, ये भी वेब डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो ये सारे चार वेब डेवलपमेंट के हो गए, लेकिन वेब डेवलपमेंट से आगे जाके हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लाइक डेस्कटॉप की प्रोग्रामिंग, मोबाइल की प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग, आईओटी की प्रोग्रामिंग करनी है हमने। ठीक है, ओपन सोर्स में हमने सैटेलाइट्स की प्रोग्रामिंग करनी है, तो पावर सिस्टम्स की करनी है, तो इस तरह हमें जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ जाना है। तो डेफिनेटली जब हमारी एक्सपर्टीज डेवलप होंगी तो हम ऑफलाइन आईडीईज लाइक इक्लिप्स, नेटबीन्स, इंटेलिजेंट आइडिया, वीएस कोड वगैरह डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल लर्निंग के लिए कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, कैसे काम करती हैं, तो हम उस इस तरह का एक ऑनलाइन प्लेग्राउंड पे आज बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, जो दो पहले किए थे और दो आज जो साकिब खान ने हमें बताए हैं, ये सारे वेब डेवलपमेंट के लिए हैं। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, स्विफ्ट, रूबी, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए भी एक है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और इसका सबसे जो मज़े का फीचर मुझे लगता है वो ये है कि आप दो लैंग्वेजेस का सिंटैक्स चेक कर सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आप असेसमेंट कर सकते हैं बगैर इंस्टॉल किए हुए। तो इसका नाम है replies.it। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो पॉपुलर हैं। एक पाइथन होगी, नोड जेएस होगी, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है सर्वर्स के लिए। सी हो गई, जावा होगी, सी प्लस प्लस होगी। ठीक है, तो आप इनका खोल के इनका कोड रन कर सकते हैं, एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया इसने, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये पाइथन है और पाइथन में हेलो वर्ल्ड, आप ये चेक करें कि एक लाइन से हेलो वर्ल्ड हो गया, जबकि सी में हमें तकरीबन 5 से 6 लाइनें लगी हैं सेम चीज़ को करने के लिए। और ये जावास्क्रिप्ट है, बेसिकली नोड है, तो इसमें हमने कुछ इधर किए नहीं, इसमें भी एक लाइन का कोड है हेलो वर्ल्ड का। ओके, और आगे ये जावा है, जावा में हेलो वर्ल्ड का 5 लाइंस का कोड है। जावा और सी का सिंटैक्स काफ़ी मिलता है, जावास्क्रिप्ट का भी मिलता है इनसे, पीएचपी का भी मिलता है। ठीक है, तो जावा और जावास्क्रिप्ट में भी कुछ फ़र्क है। ठीक है, ये सारे फ़र्क आपको ऐसे पता चल जाएंगे जब आप इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो आप कहेंगे यार इतनी आसान प्रोग्रामिंग है, इतनी आसान वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, कि आप खुद करना शुरू हो जाएंगे और आप एक अच्छे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे। तो आज आपने इसको देखना है replies.it को। ठीक है, इसमें देखने मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि मैंने उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम रन किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।